Good evening students, I am Mahin Kumar, faculty of Model Literacy School for Accounts and English, PGT. I am once here again with chapter 1 of class 12, Fundamental of Accountancy, Fundamentals of Partnership. Okay. And I told you in the last class that today I will be explaining you how you will be doing adjustments in closed accounts. Okay. So this is chapter 1, Fundamentals of Partnership, and in that we have one topic, adjustment in closed accounts. Okay, so now table showing adjustment. This is an example. Suppose there is a situation and there are certain things which we forget. Accountant bhool jata hai, jaise interest on capital dena bhool gaya, interest on drawing dena bhool gaya, commission dena bhool gaya. Aise cases mein hum kya kare? Pure audited balance sheet ko kaat dein, ya fir kaatne ki bajaye hum agle साल एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें जैसे सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो हम वही करेंगे. ठीक. तो मान लीजिए एक एग्जांपल है जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है. क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, कैपिटल ए की 50,000, बी की 30,000, सी की 25,000, डी की 15,000. ठीक है. अब इसको हमें करना है क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए. तो आपको ये याद रखना है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता था, ध्यान करो, डेबिट साइड. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ आया था, ध्यान करो, क्रेडिट साइड. तो ये समझ लो ये आप एक प्रकार से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं. ठीक है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिखा क्रेडिट, ये लिखा हमने क्रेडिट. 10% निकाला 50,000 का, 5,000, 3,000, 2,500 और 1,500 ये हमने लिखा. इसका हमने टोटल किया 5, 3, 8 और 4, 12. 12,000 को हमने इक्वली डिवाइड कर दिया 1:1:1 में. 3,000, 3,000, 3,000, 12,000 आ गया. अब हम ये देखेंगे ये डेबिट होगा, ये डेबिट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट होगा. ठीक. अब ये देखेंगे डिफरेंस क्या है. तो देखो क्रेडिट वाला बड़ा, तुमने क्रेडिट लिख दिया, यहाँ दोनों बराबर डैश आ गए, यहाँ डेबिट क्रेडिट डेबिट वाला बड़ा 500 डेबिट की, यहाँ फिर से डेबिट वाला बड़ा. तो इसकी जनरल एंट्री हम पास कर देंगे, ऑडिटेड बैलेंस शीट को हम नहीं काटेंगे. ये तो केवल मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया तो उसका मैंने बताया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है बताऊंगा, मान लो कमीशन देना भूल जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल जाए. ठीक है. तो इसकी हम जनरल एंट्री कर देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे 500, 1500 ये जनरल एंट्री पास कर देंगे और इतना ही हमें करना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या करना है कि मान लीजिए मुदित है और उदय है, दो पार्टनर है मुदित और उदय, और इनकी कैपिटल है 70,000 और 60,000, ड्राइंग गिवन है 16,000 और 12,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम और ड्राइंग है 6% पर एनम. मुदित ने कुछ काम किया होगा, उसको कमीशन मिला पूरे साल भर का 4,000. ये तीनों चीज़ें देना हम भूल गए. अब बच्चों ध्यान करो कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग नेचर की हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? तो आप कहेंगे क्रेडिट. ठीक है. ये मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये मिट गया, एक मिनट. सी यू एन एम, ठीक है, कमीशन हो गया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया एट द रेट ऑफ 6%. ठीक है जी. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, ड्रॉइंग्स. ठीक है. अब मैं इसकी भी टेबल बनाऊंगा, एडजस्टमेंट टेबल, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है इसमें. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस क्वेश्चन में जैसे कि दूसरा क्वेश्चन लेंगे, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% है, कमीशन जो मुदित को देना वो 4,000 रुपये. ठीक है. मुदित की कैपिटल 70,000 है, मुदित की 60,000 है, ड्रॉइंग है 16,000 और 12,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोगों का है 2:3. ठीक है. तो इसको भी वैसे करेंगे सेम, कोई करने का तरीका नहीं बदल गया. बस हमें यहाँ ध्यान रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये लोग ये चीज़ें क्या होती हैं. जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता, तो मैंने क्रेडिट किया, मैंने 70,000 पे लगाया 6% 4,200, फिर 60 पे लगाया 3,600, दोनों का टोटल यहाँ लिखा. कमीशन, एक्चुअली कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. तो पहले मैंने दोनों को ले लिया, फिर मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा, जो ड्राइंग साइड डेबिट साइड आता है. तो कमीशन केवल मुदित को मिल रहा था, तो मुदित को ही दिया, इसमें डैश लगाया 4,000 यहाँ के, दोनों का मैंने टोटल दिया, टोटल क्रेडिट करके टोटल भी क्रेडिट आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 240. अच्छा, अब आप क्या कहेंगे
ये निकलेगा वैसे 400 कुछ निकलेगा, 5500 कुछ निकलेगा, लेकिन जब भी डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं गिवन हो तो हम 6 महीने का निकालते हैं। ये देखो मैंने आपको मुदित का निकाल के दिखाया है, 16,000 मुदित ने निकाला था, 6/100 × 6/12 = 240, इसको हम 6 मंथ्स का लेके चलते हैं, तो उसका भी 6 महीने का निकाला और उसका भी 6 महीने का निकाला, दोनों का टोटल कितना आया 420, जिसको मैंने माइनस कर दिया, क्रेडिट बैलेंस आया, जो क्रेडिट वाला टोटल हमारा बड़ा है। अब इसको डिविजिबल प्रॉफिट कर देंगे इस वाले टोटल को, किस रेशियो में, 2:3, यानी 2/5 × 11380 और 3/5 × 11380, एक का ये आ जाए, एक का फ्रॉम डिफरेंस निकाल लेंगे, एक का क्रेडिट एक का डेबिट, एक जनरल एंट्री पास कर देंगे, तो ये मेन हमारा आंसर होता है। लेकिन टू रीच दिस जनरल एंट्री वी हैव टू डू दिस वर्किंग, ओके। सो चिल्ड्रन, एडजस्टमेंट क्लोज अकाउंट मैंने आज आपको बताया है, मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा एंड यू विल बी नाउ एबल टू डू फर्दर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट क्लास आई थिंक दैट इज ऑन थर्सडे, यू गोइंग टू मीट अगेन, ओके। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and remain safe. Thank you, children.